ज्यादा आगे मत जाओ ना, मैं भी आ रहा हूँ। रुको भाई यार, पैर कांप रहे हैं मेरे। तो भी गाइस, हम आ चुके हैं समंदर के ऊपर। देखो यहाँ पे मम्मी ये वीडियो देख के बहुत डांटेगी, फोन करके कि ऐसी जगह पे मत जाओ, ऐ मत जाओ। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो गाइस, आज हमारा सेकेंड डे है लंदन में। कल हम रात को आए थे और यहाँ पे रुक गए थे कैरावैन में, और यहाँ पे ना एक बहुत प्यारी लोकेशन है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो अभी फिलहाल वहीं पे चलेंगे, फिलहाल रेडी हो गए नहा धो के, मस्त चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत सुंदर। क्या कर रहे हो? मैं व्लॉग बना रहा हूँ, पीछे शी 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 कर रहे। चले रेडी होना भाई, चले। पहले आपको दिखा दूँ कहाँ हमने पार्क की थी कैरावैन। तो कल रात को हमने यहाँ पार्क करी थी कैरावैन, ये खड़ी अपनी कैरावैन, और देखो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और जो ये पार्किंग है ना, ये बिल्कुल फ्री पार्किंग है। वैसे यहाँ फ्री पार्किंग होती नहीं है, बट फाइनली हमको मिल गई थी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पार्क कर दी। फ्री पार्किंग किसको नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमको जाना है उधर, वहाँ पे हम मस्त लोकेशन अभी दिखाएंगे आपको। गाइस अभी हमने भी देखी लोकेशन, हमने रात को देखी थी, रात को अंधेरे में दिखती भी नहीं है ना। ये देखो टेस्ला गई, अभी एक टेस्ला ये खड़ी, बच्चे देखो डिग्गी में बैठे हुए, लोग अपने डॉग्स को भी लेके आए हैं। देखो दो कैरावैन ये देखो, एक ये है एक ये है। तो इतने सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं, तो मस्त जगह होगी। यहाँ तो बहुत सारी कैरावैन खड़ी है, बहुत सारी खड़ी है। हमारी कैरावैन यहाँ पे सबसे बड़ी है, इससे बड़ी कोई गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे। देखो सारी छोटी छोटी हैं। सारे हमारी कैरावैन को देख रहे भाई, इतनी बड़ी गाड़ी लेके दो जने कैसे आ रखे हैं यहाँ पे। ज्यादा बड़ी नहीं लग रही, बड़ी है यार, तो मस्त है। तो गाइस हमको जाना है यहाँ से नीचे। वाओ कितना सुंदर लग रहा है। देखो वो भी आपके आपके पीछे डॉग आ रहे हैं। आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम सुबह सुबह खाते हैं क्या? हो गया छोटे बच्चे, देखो कितना मस्त साइकिल चला रहे हैं। मैं तो सिंपल वाली खाऊंगा, ये वाली। गाइस वो देखो सामने कितने सारे पंछी बैठे हुए हैं, वाइट। Thank you. चलो भाई ट्राई करते हैं आगे आइसक्रीम। भाई बहुत मस्त है भाई। तो अब चलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे चलते हैं। अब पानी में कूद गया अरे, लकड़ी लेने के लिए। ओ भाई अरे मेरे पास क्यों आ रहा है? यहाँ तो बच्चे नहा रहे हैं पानी में। देखो हम भी सुबह यहीं पे आए थे नहाने के लिए, उन्होंने केकड़ा पकड़ लिया। देखो यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, तैर के जा सकते बस। ओ भैया ऐसे काम मत करो, खतरों खिलाड़ी मत बनो। वो भैया इसे आगे मत जाना, इसे आगे मत जाना, वो ज्यादा आगे मत जाओ ना, मैं भी आ रहा हूँ। रुको भाई यार, पैर कांप रहे हैं मेरे। तो भी गाइस हम आ चुके हैं समंदर के ऊपर। देखो यहाँ पे मम्मी ये वीडियो देख के बहुत डांटेगी, फोन करके कि ऐसी जगह पे मत जाओ, ऐ मत जाओ। वो भी हमारे साथ में, तो कोई डरने की बात नहीं है। गाइस मेरा तो मन है यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, बट अलाउड नहीं है, बिकॉज ना यहाँ पे एयरपोर्ट बगल में ही है, तो बिल्कुल नीचे से जा रहे हैं। मतलब जितनी ऊपर अपने ड्रोन जाएगा ना, उससे नीचे तो यहाँ पे एयरप्लेन चल रहे हैं, तो इसलिए मैं उड़ा नहीं रहा वैसे यहाँ पे। देखो ये डॉग फिर से चला गया पानी में, मजा आ रहा है इसको तैरने में, मजा आ रहा है इसको। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ समंदर में कोई डॉग तैरता हुआ। प्लेन कितनी पास से जा रहा है भाई, प्लेन कितनी पास से जा रहा है, बट ड्रोन तो इससे ऊपर जाता है। पहुंच गए अपनी कैरावैन वाली जगह पे। इन्होंने साइकिल भी अंदर के पीछे, ये देखो हमारी पोर्श की ट्रक कन्वर्टेबल, हमारी तो सबसे अलग लग रही है भाई, है ना। एक तो इतनी बड़ी है ना, ये बैक करने में थोड़ी दिक्कत होती है। गाइस यहाँ पे घर देखो कितने मस्त घर है यहाँ पे, सामने देखो क्यूट सी बस आ रही है, स्पीड लिमिट है 30 की। देखो एक और क्यूट सी बस। गाइज यहाँ पे ना रेड लाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी बहुत संभल के चला रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे रेड लाइट बहुत सारी हैं, अगर क्रॉस कर दी ना भाई फुल फाइन पड़ेगा, बहुत तगड़ा वाला फाइन। लेकिन वो भी जो चला रहे हैं भाई, वो भी आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है यार। ये वाली बस बहुत है यहाँ पे, पहाड़ों पे मैं भी चलाऊंगा, पहाड़ों पे गाइज पहाड़ों पे चलाऊंगा मैं भी। ये भाई ये बस बहुत आ रही है यार। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं यहाँ की, यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं मारता, यहाँ पे हॉर्न तब मारते हैं जब गुस्से में हो। मान लो कोई गुस्से में है ना किसी से, तब हॉर्न मारेगा, वो भी एक दो बार। यहाँ पे कोई हॉर्न मारता ही नहीं भाई, हॉर्न की आवाज ही नहीं आ रही कहीं पे भी, कहीं भी हॉर्न की आवाज नहीं आ रही लिटरली। हमने भी एक बार भी हॉर्न नहीं मारा अभी तक, एक बार भी नहीं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है बिना हॉर्न के यहाँ पे। मेरा इतना मन कर रहा है चलाने का, इतना मन कर रहा है चलाने का, बट मैं सिटी में नहीं चला रहा, बिकॉज सिटी में रिस्क नहीं ले सकते भाई, अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना। गाइस यहाँ पे देखो ट्रैम की पटरी, इस पटरी में ना ट्रेन चलती है, जो कि मतलब रोड पे ही, उसको ट्रैम बोलते हैं। तो भी गाइस रुके हैं यहाँ पे, लेकिन पार्किंग नहीं मिल रही हमको। गाइस ये देखो एस्टन मार्टिन कितनी मस्त लग रही है, अपनी पोर्श की तरह लग रही है, ब्लैक। अरे मिल गई जगह, गाड़ी निकली है, मिल गई जगह, लगा दो। डन 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 डन। अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, यहाँ पे सभी बैठे हैं मस्त चिल कर रहे हैं, और देखो पहाड़ पे ट्रैक भी कर सकते हैं यहाँ पे। गाइस यहाँ ना सब जगह एकदम शांति, एकदम पीस है, क्योंकि कम लोग हैं ना यहाँ पे। स्वान गाइस, ये डक्स नहीं है, स्वान है ये। इसकी चारों तरफ पानी देखो, बच्चे भी हैं इनके। देखो कितना सुंदर है यहाँ पानी, ऊपर पहाड़ देखो कितने सुंदर है यहाँ के। तो गाइस अभी रुके हैं कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है और फ्राइज वगैरह है, तो यही खा रहे हैं आज। गाइस अभी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे एक और कैरावैन आ गई, देखो यहाँ पे कैरावैन बहुत चलती है ना। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में और लंदन स्कॉटलैंड, यहाँ कैरावैन कल्चर बहुत है, कल्चर है। हाँ कल्चर, लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। इंडिया में भी हल्के हल्के आएगा ये कल्चर। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे भाई हर कोई कैरावैन लेके घूम रहा है, हर कोई पूरी फैमिली के साथ में, मस्त। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बोविया की भांजी से मिलने के लिए,
तो अब चलते हैं घर पे और अब देखेंगे लंदन में घर कैसे होते हैं। भागो भागो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं कैब में बिकॉज वहाँ कैरावैन खड़ी करने की जगह नहीं है। ओके बाय बाय थैंक यू। तो गाइस पहुँच गए, इस बिल्डिंग में जाना है हमको। क्या डालना पड़ता है इसमें? ये भी कोड से खुल रहा है भाई, खुल गया। तो अभी हम आ चुके हैं घर के अंदर, घर का टूर देता हूँ आपको मैं। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे किचन, प्यारा सा किचन रूम दिखाऊं तुझे? हॉन्टेड रूम। हॉन्टेड रूम? हाँ दिखाओ। कम विद मी। ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये हॉन्टेड रूम है। क्या है हॉन्टेड हाउस में दिखाता हूँ आपको। कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान। इट्स अ हॉन्टेड रूम। हॉन्टेड रूम? डराओ मत यार। गाइस सामने देखो कब्रिस्तान, तो पहली बार देख रहा हूँ कब्रिस्तान। पूरा इतना बड़ा है देखो, पूरा इतना बड़ा है देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरी सोसाइटी है गाइस। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं और सामने कब्रिस्तान है। अंदर जा सकते हैं? वहाँ अंदर जा सकते हैं? यहाँ जा सकते हैं अंदर? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। वॉक करते हैं लोग यहाँ पे? वॉक करते हैं? हाँ चल रहा है, रात को वहीं सोते हैं। और ये ड्राइंग रूम है पूरा, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, सोफे देखो कितने मस्त है। लेकिन बाहर का व्यू देखो, किचन, किचन बहुत प्यारा लगा मुझे। गाइस अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस घर के बारे में। सब कुछ लकड़ी का है, सब कुछ। ये देखो, आओ एक चीज और देखो, आओ सब कुछ है? सब जगह, ये देखो सब जगह। ये जो ये आपको दीवार लग रही होगी बट ये लकड़ी का है सब। एक नई चीज लकड़ी, एक नई चीज दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो लकड़ी, लकड़ी, अब नई चीज लकड़ी। किचन में आ जा, ठीक है? अरे ये भी लकड़ी है किचन में भी। ये एक्चुअली है फाइबर होता है ना? हाँ ये फाइबर टॉप टाइप होता है बट ये जलता नहीं है। मुझे लगा पत्थर है ये। गाइस ये देखो ये भी, मतलब पूरा घर लकड़ी से बना है, सब कुछ, सारी दीवारें सब कुछ लकड़ी से हैं। और यहाँ पे चार्जर ये वाला चलता है, गोल वाला नहीं चलता है। तो गाइस घर पे आके मिल चुका है घर का खाना, रोटी, पानी, पनीर की सब्जी, छोले, हरी सब्जी। तो गाइस शाम के 7:24 हो गए और मेरे पीछे देखो, मैं उसको देख के ना बचपन की याद आई, क्योंकि बचपन मुझे बहुत डर लगता था, बचपन में पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। तो भी अंधेरा होने वाला है, चलते बाहर घूमने के लिए पैदल पैदल। तो भी घर से बाहर आ गए हैं। गाइस ये देखो रियल क्रिसमस ट्री ये होता है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ग्रेव्स के पास। भाई यहाँ पे आके तो अलग ही फीलिंग आ रही है। बट ये ज्यादातर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जब हम लोग पैदा भी नहीं होते तब की हैं। हमारा यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था, वो तो हमने देखा इसलिए हम आ गए। और यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, यहाँ पे जितने भी है ना, सॉरी भाई 200-250 साल पुरानी है, सॉरी हम पढ़ रहे हैं ना, सॉरी 200-250 साल पुरानी, मतलब हम पैदा भी नहीं हुए थे। अभी घूम फिर के आ गए, जा रहे हैं वापस घर। गाइस अभी टाइम देखो 8 बज रहे हैं शाम के, लेकिन इंडिया में 12:30 बज रहे होंगे रात के, सारे सो रहे होंगे। देखो यहाँ अंधेरा भी नहीं हुआ अभी तक। गाइस अभी हम बाहर से आ रहे हैं, बाहर इतनी ठंड हो रही थी ना, और यहाँ पे आते बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, यहाँ गर्मी हो रही है लिटरली। पूरा वुडन का घर है ना, पूरा लकड़ी का घर है, यहाँ पे गर्मी रहती है, बाहर बहुत ठंड हो रही है बहुत। तो आज डिनर में है दाल और चावल। तो गाइस डिनर भी हो चुका है, अब फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, इसलिए करता हूँ एंड। कल हम निकलेंगे कैरावैन लेके पहाड़ की तरफ यहाँ के, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस यहाँ पे ना चलने में भी फाइन है, अगर मैं यहाँ चलूंगा ना फाइन पड़ जाएगा मुझे। अगर मैं यहाँ चलूंगा ना फाइन पड़ जाएगा। यहाँ पे साइड पे ही चलना है आपको। देखो अभी हम साइड पे चल रहे हैं ना, बीच में नहीं चल सकते यहाँ पे। ये देखो अगर बच्चा गलती से उधर गया तो पेरेंट्स को फाइन पड़ेगा। Pretty little thing, you're a diamond in the rough.